पंचशह वर्ष पर मंदिर में स्थापन हेबे भगवान श्रीराम एथिपाई अयोध्या निर्माण होइछि भव्य दिव्य नव्य एवं अति आकर्षणीय मंदिर मंदिर निर्माण रहिछि विशेष स्वतंत्रता भीति ठार आरंभ करिकी पूरा मंदिर निर्माण रे केउठारे भी व्यवहार होइनी खंडे लुहा किंबा स्टील एपरिकी जोड़े होइनी भी व्यवहार होइनी सीमेंट किंबा चूना गुड़र मिश्रण तेबे केमिति होइछि यार निर्माण आसन देखिबा रिपोर्ट अयोध्यारे निर्माण होइछि श्रीरामंकर भव्य एवं दिव्य मंदिर मंदिर बेस आकर्षणीय होइछि यार निर्माण शैली मध्य बेस अनन्य 2.7 एकर परिमित जगह उपरे मंदिर बिल्डअप एरिया होउछि 57,000 वर्ग फुट तेबे सबुठारु आश्चर्यकर कथा होउछि तीन महला स्ट्रक्चर रो मंदिर निर्माण रे लुहा किंबा स्टील छड़ आदौ व्यवहार होइनी पारंपरिक भारतीय ऐतिह्य एवं स्थापत्य आधार रे एहार निर्माण रे होईछि वैज्ञानिक कौशल भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो रो ज्ञानकौशल को मध्य मंदिर निर्माण रे उपयुक्त भावे व्यवहार करा जाईछि एई ऐतिहासिक मंदिर निर्माण रे भारत वर्षर बहु वरिष्ठ वैज्ञानिकंकर मध्य विशेष योगदान अछि विशेष बात ये कि सबसे बड़ा ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इतना बड़ा मंदिर कोई नहीं होगा और इतनी कला कारीगरी से भरपूर है और दूसरा एक मेन चीज़ ये है कि जहाँ भगवान का जन्म हुआ 6x3 की खटिया में उसी जगह पे राम जी की मूर्ति रखी जाएगी वो एक सबसे बड़ी बात है कि भाई जैसे सोमनाथ मंदिर उसी जगह पे जहाँ मूर्ति टूटी थी वहीं रखा गया ऐसे ये जहाँ भगवान का जन्म हुआ वहीं मूर्ति रहेगी ये सबसे बड़ी बात है लुहा किंबा स्टील व्यवहार होइनी किंतु हजार हजार वर्ष को आखि आगरे रखी अयोध्यार राम मंदिर निर्माण होइथिबा कहिछंती मंदिर निर्माण कमिटीर अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र एपरि मंदिर विश्वर अन्य केउठारे पूर्वरु निर्माण होइनथिबा से कहिछंती नगर शैली बा उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण शैलीरे एहार निर्माण होइछि भारत वर्षर जणाशुणा मंदिर निर्माता स्थपति चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर डिजाइन प्रस्तुत करिछंती चंद्रकांत सोमपुरा 15 पीढ़ी मंदिर निर्माण में सिद्ध अस्त देश मध्य प्राय 200 मंदिर निर्माण करिछंती किछि नुआ भावे निर्माण करिथिबा बेले आउ किछिर करिछंती नवीकरण आउ एबे चंद्रकांत राम मंदिर निर्माण रो मुख्य स्थपति होइथिबा बेले आगामी 2500 वर्ष जाए एहाकु भूमिकंप हलाई पारिबो नाही बोली ग्यारंटी देइछंती खाली सेतिकि नुहे खिलिणी पद्धतिर जोड़े नै अति कमरे हजारे वर्षर ग्यारंटी दिया जाइछि IIT रुड़की की तरफ से इसका एक सर्वे किया गया कि ये आपने जो प्लान बनाया है वो कितने साल टिकेगा तो इसमें ट्रस्ट ने कहा कि भी हमको 1000 साल से ऊपर चाहिए तो उन्होंने 2500 साल बंदी टिकेगा ऐसा करके एक सर्वे किया उस सर्वे में उन्होंने कहा कि भी ऐसे ऐसे थोड़ा सा चेंज आपको डिजाइन में करना पड़ेगा तो 2500 साल तक मंदिर को कुछ नहीं होगा तो हमने जो उसने कहा वो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमने चेंज कर दिया डिजाइन में कोई पिलर बड़ा करना था किसी को कुछ करना इधर उधर था वो करके दिया तो अभी लगता है कि सब फुलफिल हो गया है तो 2500 साल तक मंदिर को कुछ अर्थक्वेक के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी मंदिर उच्चता 161 फुट जहाँ की कुतुब मीनार उच्चतार 70% लुहा किंबा स्टील रो आयुष अति बेसी 80-90 वर्ष होइथाय किंतु आगामी हजार हजार वर्ष को आखि आगरे रखि राम मंदिर निर्माण होइथिबारु एथिरे से सबुर व्यवहार होइनाही मंदिर निर्माण रे व्यवहार होइछि अति उच्च मानर ग्रानाइट बाली पत्थर एवं मार्बल तेबे आहुरी आश्चर्यर कथा जोड़े रे व्यवहार होइनी कोनोसी प्रकार सीमेंट किंबा चूना गुड़र मिश्रण संपूर्ण खिलिणी पद्धति रे एहा निर्माण होइछि पत्थर जो है बंसीपालपुर का है जो सैंडस्टोन का राजा कहा जाता है इससे सैंडस्टोन कोई अच्छा नहीं आया अभी तक है नहीं हिंदुस्तान में तो ये पत्थर आप देखते हैं कि कई खजुराहो के ये वो पत्थर मतलब कई सालों से 12वीं सदी से इसके पहले से भी मंदिर बने हुए हैं तो ये पत्थर को कुछ नहीं होता सिवाय कि थोड़ा सफाई वफाई की जरूरत पड़ती है वो कर देते हैं तो मंदिर का पत्थर सालों तक टिकता है और अंदर गर्भगृह में पूरा मार्बल किया है तो मार्बल तो इससे भी अच्छा टिकाऊ है
ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବହିଯାଉଛି ସରଜ ନଦୀ, ଯାହା ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନା ବେଳେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମାଟିରେ ବାଲି ଅଂଶ ଅଧିକ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାହାର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। 15 meters ଯାଏ ଖୋଳି ସେଥିରୁ ବାଲିଆ ମାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ବାଲିଆ ମାଟିକୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ 12-14 meters ଯାଏ ପକାଯାଇଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବି ବ୍ୟବହାର ହୋଇନି ଲୁହା କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ର ଛଡ଼। କଠିନ ଶିଳା ଭଳି 47 ସ୍ତରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ସଂଗୃହୀତ 6.3 meters ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଟାଣ ଏବଂ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିରର ପ୍ଲିନ୍ଥ। ଉପରେ 1.5 meters ବିଛା ଯାଇଛି M35 ଧାତବ ବିହୀନ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାଫ୍ଟ। ଷାଠିଏ କଲମରେ ମନ୍ଦିରର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲୋର ପାଇଁ 132 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ଲୋର ପାଇଁ 74 column ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ମାକ୍ରାନା ମାର୍ବଲ ଖଣିର ମାର୍ବଲ ରାମ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟବହାର। ଏହା ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଂଶୀ ପାହାଡପୁର ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ପହିଲେ ସେ ନାଗର ଶୈଳୀ କା ମନ୍ଦିର ବନା ହୁଆ ଥା ଔର ଇସକା ଗର୍ଭଗୃହ ଯେ ହୈ ଅଷ୍ଟକୋଣୀ ହୈ ହମେଶା ଆପ ଦେଖେଙ୍ଗେ ତୋ ସବ ଜଗହ ମନ୍ଦିର का गर्भगृह चौकोर मिलेगा आपको, मगर यहाँ अष्टकोण है। एक विष्णु का 8 स्वरूप है और इसकी प्रदक्षिणा जो हमने गोल बनाई है तो इसका मतलब एक एक, एक ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों मंदिर का एक समन्वय करने की कोशिश की है।